top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Gautam, मैं रफी साहब के इंडिया के अंदर जो रफी साहब के फैंस क्लब है, मैं उनका कन्वीनर हूँ. और हम पूरे हिंदुस्तान से जो रफी साहब के फैंस ने डिमांड की थी कि रफी साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, वो अपमान स्वरूप जो डायलॉग है उसको हटाने के लिए और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए कि इस फिल्म पे बहिष्कार किया जाए, इस फिल्म का विवाद वाला जो डायलॉग है हटाया जाए और करण जौहर, अनुष्का शर्मा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे. हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन ये विरोध प्रदर्शन जारी है. और अभी दो तीन दिन से लगातार मोहम्मद रफी साहब के सुपुत्र साहिद रफी जी, सोनू निगम जी, अनवर जी, सोनू निगम जी, उनके पिताजी आगम कुमार जी, प्रेम भाटिया जी, अमरजीत कोहली जी, जितने तमाम हिंदुस्तान के जो सिंगर हैं वो उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया है. और करण जौहर को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए मीडिया के समक्ष उन्होंने मांग की है. हम भी आज यही मन से मांग कर रहे हैं कि करण जौहर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और जल्दी से जल्दी इस डायलॉग को हटाया जाए, जिससे हम सबका रफी साहब के फैंस हैं वो हम सबका भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम सबका अपमान हुआ है. तो ये अपमान हिंदुस्तान का अपमान है. रफी साहब के बारे में अगर कोई आज ये बोलता है तो आपने देखा होगा कि जैसे सूरज के ऊपर थूकना अपने ऊपर थूकने के बराबर है. रफी साहब के ऊपर ये शब्द यूज किए गए कि वह रोते ज्यादा थे गाते कम थे, ये हम सबका अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है. हम ये अपमान नहीं सहेंगे. इसके लिए कोई केस दर्ज कराएंगे या कोई पुलिस? अभी आज ही हमारे इंडिया के सुरेश रहेजा जी है वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में FIR दर्ज कराने जा रहे हैं. वो करण जौहर को कोर्ट में जाके आज धकेलेंगे और उनको पेशी होगी. उसके अलावा शहीद रफी जो रफी साहब के सुपुत्र हैं वो भी मुंबई में FIR उनके खिलाफ दर्ज कर रहे हैं. और आपको ये जान के दुख होगा, हमें खेद हो रहा है कि इतना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी करण जौहर ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है. करण जौहर, करण जौहर, करण